इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। छात्रों की आर पार की लड़ाई लगातार उग्र होती जा रही है। आंदोलनरत छात्रों ने आज एफआरसी विभाग में एडमिशन के चेयरमैन प्रोफेसर आशीष सक्सेना और कुलपति के सलाहकार प्रोफेसर मनमोहन कृष्णा को बंधक बना लिया। लगभग 2 दर्जन छात्रों ने प्रोफेसरों को एफआरसी विभाग की सीढ़ियों पर घेर कर बैठ गए और विभाग का गेट बंद कर दिए। छात्रों की मांग थी कि प्रवेश प्रक्रिया को स्थगित कर पहले फीस वृद्धि वापस की जाए। छात्रों ने साफ तौर से कहा कि फीस वृद्धि मामले को लेकर हम लोगों ने प्रोफेसरों को बंधक बनाया है, जबकि प्रोफेसर कह रहे हैं कि छात्र बंधक नहीं बनाए हैं बल्कि फीस वृद्धि के मामले पर बात करने के लिए आए हैं। फिलहाल प्रोफेसर के बंधक बनाए जाने की सूचना पर विश्वविद्यालय में भारी फोर्स पहुंची और बंधक बनाए गए प्रोफेसरों के साथ अलग से वार्ता की और इसके बाद बंधक बनाने वाले सभी छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच तीखी झड़प भी हुई। पुलिस ने लाठियों के बल से छात्रों पर प्रहार किया। एसपी सिटी संतोष कुमार मीना ने बताया कि किसी को बंधक नहीं बनाया गया था बल्कि फीस वृद्धि मामले पर वार्ता करने के लिए छात्र एफआरसी ऑफिस पर आए थे। छात्र नेताओं के द्वारा आवागमन मार्ग को बंद कर दिया था। लगभग 20 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार हिरासत में लिए गए छात्रों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उन्हें जेल भेजा जाएगा। इस सवाल के पूछे जाने पर एसपी सिटी ने कहा कि जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बीती रात आमरण अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से डॉक्टरों की सलाह पर पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए अनशनकारियों को अस्पताल में भर्ती कराया, जिससे छात्रों का एक डेलीगेशन आमरण अनशन पर बैठ गया। एक तरीके से आमरण अनशन का आज 26 दिन है। हालांकि फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों के आर या पार की लड़ाई कहां तक जाएगी इसे छात्र भी नहीं बता रहे हैं। वहीं इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से साफ कर दिया गया है कि किसी भी दशा में फीस वृद्धि वापस नहीं की जाएगी। पूरा मामला सामने आया था, 2 प्रोफेसर्स को बंधक बनाया गया था और उनको कैसे वहां से बाहर निकाला गया? देखिए, इसमें बंधक किसी को नहीं बनाया गया था, ये बात मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूं। इनके द्वारा, छात्रों के द्वारा फीस वृद्धि को लेकर वार्ता करने के लिए ही वापस से यहां पर एफआरसी ऑफिस है, वहां पर ये सभी लोग आए थे और इन्होंने आवागमन का मार्ग था उसको बंद किया था। उसी को दृष्टिगत कुछ लोगों को अभी डिटेन किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कुछ लोगों की गिरफ्तारी की बात हो रही है और इस मामले में एफआईआर कायम होने की बात सामने आ चुकी है, तो सर क्या हुआ? ये एक तरीके से आपने जो कह रहे हैं आपकी बात एकदम अलग आ रही है, तो क्या सचमुच इसमें सर एफआईआर हो रही है? इसमें देखिए, अभी जहाँ तक पूरी बात है वो सामने आएगी जाँच के बाद ही, किस तरह से इनके द्वारा मार्ग अवरुद्ध किया गया और उसी में तहरीर लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था उन लोगों को, अंदर प्रोफेसर इनके द्वारा एफआरसी का जो गेट है वहाँ पर मार्ग अवरुद्ध किया गया था जी, उसी के लिए यहाँ से हटाया गया और डिटेन किया गया। कितने लोग हैं ये? 15 से 20 लगभग टोटल लोग हैं जिनको डिटेन किया गया था। आज आप लोगों ने व्यापक प्रदर्शन किया है और आपने प्रशासन के लोगों को बंदी बनाया है, क्या है पूरा कार्रवाई और अब आपकी मांगे क्या है? देखिए, फीस वृद्धि के लिए अब आंदोलन का अंतिम समय आ चुका है। लगातार 25 दिन से आते निचोड़ने के बाद, आमरण अनशन पर बैठने के बाद, आंदोलन का एकदम विशाल रूप लेने के बाद, जब कल साथियों को उठा लिया गया और आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय कल रात में जब आनंद फानंद में एडमिशन की पूरी लिस्ट जारी करता है और लगातार रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट का लिंक खोलता है, तब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के पास, आंदोलनकारी के पास कोई रास्ता नहीं सूझता। सब प्रोफेसर आशीष सक्सेना एडमिशन ओवरऑल चेयरमैन को फोन करते हैं, वो कहते हैं मैं चेयरमैन नहीं हूं, लेकिन जब डायरेक्टर एडमिशन IR सिद्दीकी जी के पास फोन करते हैं, वो मानते हैं कि ओवरऑल एडमिशन चेयरमैन प्रोफेसर आशीष सक्सेना है। तुरंत उनकी लोकेशन मिलती है, कोई एफआरसी में बैठे हुए। हम लोग एफआरसी में जाते हैं तो मैडम के सबसे विश्वसनीय प्रोफेसर मनमोहन कृष्णा सर और प्रोफेसर आशीष सक्सेना सर, दोनों लोग यहां पर मिलते हैं, उनका घेराव होता है और पिछले 2.5 घंटों से उनको जमीन पर बैठा कर, छात्र भी जमीन पर बैठकर लगातार वार्ता चल रही है और प्रोफेसर मनमोहन कृष्णा ने स्वयं रजिस्ट्रार, चीफ प्रॉक्टर, DSW सबसे फोन पर बात करके उनको वार्ता के लिए बुलाया है और प्रोफेसर मनमोहन कृष्णा ने आश्वासन दिया है कि आज फीस पेमेंट को हम रोकेंगे और अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय फीस पेमेंट को नहीं रोकता है, आज एडमिशन को नहीं रोकता है, तो कल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो होगा उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, उनकी पूरी टीम होगी। हरिओम त्रिपाठी, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। लड़ाई गरीब मजदूरों की लड़ाई है सर, लड़ाई गरीब मजदूरों की लड़ाई है, तो जान लीजिए।
गिरफ्तार किया गया है। आज हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो कुलपति की सलाहकार है मनमोहन कृष्णा और जो डी एच डब्ल्यू एस मोहन, उनको हमने जो आज ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी उससे दम पे आज रोकने का कार्य किया। लेकिन ये तमाशा प्रशासन, इस पुलिस प्रशासन के दम पर हमारी ये बात को दोहराना चाहता है और हमें गिरफ्तार करके जेल भेजने का कार्य किया। ये कैसे ही बचा सकती है ये फीस वृद्धि को? चंद्रशेखर करिए अच्छा नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रदेश प्रवक्ता ने पीछे तो बंधक बनाया आपको छात्रों ने, अब इसको आप बंधक मान लें? हमको तो नहीं मानते, हम तो लगता है हम अपने बच्चों के बीच में बैठे हैं, हमें तो बंधक नहीं लगते कहीं से भी। मेरे को नहीं लगता कोई लड़का मेरे से ऐसा है कि जो मुझे बंधक बनाएगा, मुझे ऐसा लड़का। कुलपति का कुलपति का प्रतिनिधित्व आप कर रहे थे? चांस ही नहीं, मैं कुलपति का प्रतिनिधित्व कर ही नहीं सकता। मैं नीति आयोग में इकोनॉमिक्स का चेयर प्रोफेसर हूँ और FRC का एडवाइजर। मैं FRC में जो एक सीक्रेट काम होता है टीचरों के सिलेक्शन इलेक्शन से संबंधित, उस काम को करने के लिए आया था। इस काम से मेरा कोई संबंध नहीं है, ना मैं कुलपति का सलाहकार हूँ ना था।